रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा नेटो देश ने किया है। पहली बार किसी नेटो देश ने माना है उसके देश के लड़ाके रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। जी हां, एक नेटो देश के लड़ाके रूस की जगह यूक्रेन पर ही हमले कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद से नेटो की इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है। इधर पुतिन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि रूस ही जंग का असली उस्ताद है। पुतिन ने पलटी बाजी रूस के साथ नेटो। 925 दिन के भीषण जंग के बाद रूस यूक्रेन जंग में अब कुछ ऐसा होने लगा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन हैरान रह गए हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन नेटो के 32 देशों में से एक ऐसा देश है जिसके लड़ाके पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर भयंकर हमले कर रहे हैं। जब से यह खबर यूक्रेन पहुंची है तब से पूरा नेटो सदमे में चला गया है। अमेरिका और नेटो देशों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नेटो के लड़ाके पुतिन के वफादार कैसे हो गए हैं। शुरू में कुछ वॉर एक्सपर्ट्स को शक था कि शायद नेटो देश तुर्की के लड़ाके रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन पर जिस नेटो देश के लोग हमले कर रहे हैं वो यूक्रेन का पड़ोसी देश लिथुआनिया है। यानी यूक्रेन के रक्षक ही यूक्रेन के लिए भक्षक बन चुके हैं। लिथुआनिया की गद्दारी, यूक्रेन को मार रहा नेटो। अमेरिका और नेटो खुद को जंगी उस्ताद समझ रहे थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद को युद्ध का चाणक्य समझ रहे थे, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी खुद को युद्ध का गेम चेंजर समझ रहे थे। लेकिन पुतिन ने लगभग 3 साल की जंग में ऐसी बाजी पलटी है कि यूक्रेन के कीव तक पुतिन का रूस कब्जा करने जा रहा है। और वो भी नेटो देश के लड़ाकों के साथ। अब आप ये भी जान लीजिए, नेटो देश के लड़ाके रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, इसका दावा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। नेटो देश लिथुआनिया की तरफ से दावा किया गया है कि इस वक्त लिथुआनिया के सैकड़ों लड़ाके रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। खुद लिथुआनिया के रक्षा मंत्री लॉरिनास कासियुनास इसका खुलासा किया है। लॉरिनास कासियुनास का दावा है कि उनके देश लिथुआनिया के नागरिक रूस की तरफ से जंग कर रहे हैं। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री लॉरिनास कासियुनास ने अपने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि लिथुआनिया रूस का जंग में साथ देने वाले लिथुआनियाई पर मुकदमा चलाकर बेहद सख्त सजा देगा। नेटो देश लिथुआनिया के खुलासे के बाद से नेटो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। खबर तो ये भी है कि नेटो और अमेरिका की तरफ से करोड़ों डॉलर के जो हथियार समुद्री रास्ते से यूक्रेन भेजे गए थे वो हथियार भी रास्ते से गायब हो चुके हैं। यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो हथियार यूक्रेन के पास पहुँचना चाहिए थे वो हथियार कौन गायब कर रहा है। खबर तो ये भी है कि पुतिन ने कई नेटो देशों को रूस के साथ मिला लिया है। इसकी भनक अमेरिका में पेंटागन में बैठे टॉप जनरल को लग चुकी है। इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन को अभी तक लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं दी हैं। इधर पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन का दावा है कि यूक्रेनी सेना कुर्स्क और पोक्रोस्क में हर दिन 1 से 2 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रही है। 925 दिनों से ज्यादा की जंग में रूस यूक्रेन के 18% इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 10 यूक्रेनी शहरों और इलाकों पर रूस ने पिछले 13 दिन में भयंकर कोहरा मचाया हुआ है। अब यूक्रेन की तबाही का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस वक्त यूक्रेन में रूसी सेना नरसंहार कर रही है। यूक्रेनी सेना के नरसंहार का ये वीडियो खुद यूक्रेनी ड्रोन ने बनाया है।
पश्चिमी मीडिया की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि रूसी सैनिक सरेंडर कर चुके यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि धूल भरे रास्ते पर लड़खड़ाते यूक्रेनी सैनिकों को घुटनों के बल बैठाया जाता है। कुछ सेकंड बाद यूक्रेनी ड्रोन फुटेज से पता चलता है कि यूक्रेनी सैनिक मरे हुए औंधे मुंह पड़े हुए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में अपहृत यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सैनिकों ने गोली या फांसी देकर हत्या की है। एक जगह रूसी सैनिकों द्वारा 3 आत्मसमर्पण करने वाले यूक्रेनियों को फांसी देते हुए साफ देखा जा सकता है। इसके बाद उन्हें खाई में फेंक दिया जाता है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूसी सेना द्वारा 73 यूक्रेनी युद्ध बंदियों को फांसी देकर मारा गया है। अब तक 28 से ज्यादा ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे हालात में नेटो देश लिथुआनिया के यहाँ से जो नागरिक यूक्रेन पर हमला करने में जुटे हैं, वो वाकई में यूक्रेन के लिए कोढ़ में खास की तरह साबित हो रहे हैं। जो नेटो देश यूक्रेन को जंग में जीत दिलाने में जुटे थे, उन्हीं नेटो देशों में से एक देश लिथुआनिया के लोग पुतिन को जंग जिताने में जुटे हुए हैं। पुतिन ने पलटी बाजी रूस के साथ नेटो। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा है कि कुर्स पर हमला करना यूक्रेन को बेहद भारी पड़ चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में कुर्स्क जंग पर बड़ा दावा कर दिया है। पुतिन ने दो टूक कहा है कि यूक्रेन का कुर्स्क आक्रमण पूरी तरह से फेल हो गया है। पुतिन का साफ कहना है कि पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूसी सेना को रोकने की कोशिश की गई थी तो पूरी तरह से असफल रही है। पुतिन ने खुलासा करते हुए कहा है कि यूक्रेनी सेना हमला करके रूसी सेना को भड़काना चाहती थी, रूसी सेना को प्रमुख इलाकों से खदेड़ना चाहती थी, लेकिन डोनबास में यूक्रेनी सेना को रौदा जा रहा है। पुतिन ने यहां तक दावा किया है कि यूक्रेनी सेना सिर्फ कुर्स्क में ही नहीं बल्कि पोक्रोस्क में भी बुरी तरह से हार रही है। Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланная Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 7 механизированных, 2 егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений вооруженных сил Украины. Хайрани ки бат ту ехе ки лагбак 2.5 साल से चल रही जंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की शुरू से ही जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये बात समझ के बाहर है। जिसे यूक्रेन के 18% इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है, वो जंग जीतने के दावे कैसे कर रहा है, हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त यूक्रेनी सेना रूसी सेना की तबाही पर और क्या बड़े दावे कर रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद राष्ट्रपति दफ्तर के दावों के मुताबिक पिछले 4 महीने की जंग रूस पर बेहद भारी पड़ी है। मई से सितंबर तक रूस के न सिर्फ हजारों सैनिक मरे हैं, बल्कि रूसी सेना का तोपखाना, बख्तरबंद और भारी हथियारों की भारी तबाही हुई है। जहां अकेले 3 सितंबर के दिन ही 1390 रूसी सैनिक मारे गए हैं, तो वहीं अब तक यूक्रेनी दावों के मुताबिक 6,20,350 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 3 सितंबर को रूस के 60 टैंक, 27 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 30 तोपखाने प्रणाली, 43 यूएवी, 35 वाहन और ईंधन टैंक तबाह हुए हैं, जबकि 923 दिन की जंग में रूस के अब तक 17,694 तोपखाने सिस्टम और 8,618 टैंकों को यूक्रेनी सेना ने बर्बाद कर दिया है। News 18 India Chopal, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ News 18 India Chopal देखिए सिर्फ News 18 India पर।